दरियागंज मार्केट की शुरुआत होती है दिल्ली गेट से। ठीक मेरे पीछे आपको दिल्ली गेट नज़र आएगा और यहीं से शुरुआत करेंगे अपनी और जानेंगे लोगों से कि इस बार दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता का मूड क्या है। इस वक्त एक रिक्शा में हम बैठ गए हैं क्योंकि तंग गलियां हैं और काफ़ी दूर तक जाना है और हमारे साथ रिक्शा चालक भी हैं। सर ये बताइए कि जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में तो कौन सी पार्टी का आपको लगता है कि इस बार पलड़ा भारी है? देखो केजरीवाल तो आना चाहिए क्यों, ये नो एंट्री रोड है, इसमें चलने नहीं दे रहा है गाड़ी, बैटरी रिक्शा। अच्छा, चलते हैं तो बीबीसी का चलान होता है। केजरीवाल सरकार ने 5 साल में काम किया फिर आप लोगों के लिए? कुछ कोई काम क्या किया है, सब्सिडी पैसा आया है अभी। लोगों से बातचीत तो होती होगी क्योंकि कई लोग बैठ के जाते हैं रिक्शा में। सब केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। सब केजरीवाल का नाम ले रहे हैं? हाँ जी। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, पहले तो मैंने वोट दिया था बीजेपी का लेकिन अब केजरीवाल को सोचूंगा देने के लिए। अच्छा, तो मूड बदल गया है। 5 साल में मूड बदल गया है, बीजेपी को पहले वोट दिया था अब सोच रहे हैं कि केजरीवाल को वोट दे दे। कुछ और भी रिक्शा चालक है उनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव? केजरीवाल आना ही चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए? हाँ जी। क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास। बाकी पार्टी का हाल क्या है? बीजेपी तो कभी जीवन में ना आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं आनी चाहिए? वो तो ऐसे काम करता है, काम धंधे छोड़े ही ना बिल्कुल। अच्छा, काम का नाश कर दिया उसने। अच्छा, कांग्रेस? कांग्रेस तो उसका तो कुछ नामो निशान है ही नहीं। सर्दी का मौसम है और गर्म जैकेट कोट लेने के लिए लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं लेकिन बात सर्दियों की नहीं करेंगे, चुनाव की करेंगे। माहौल क्या लग रहा है सर इस बार दिल्ली चुनाव में? दिल्ली में तो केजरीवाल है। केजरीवाल है? बीजेपी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं? क्या हो गया ऐसा? ऐसा सब कुछ जितनी सुविधा हमें मिली है, स्कूलों को देखो, अस्पतालों को देखो और महिलाओं की सुरक्षा को देखो, उनका किराया भी फ्री कर दिया, हर चीज़ के लिए। सबसे बढ़िया बेस्ट जो है दिल्ली की नहीं, दिल्ली में केजरीवाल। आप बताइए सर। सर केजरीवाल सरकार ने गरीबों के लिए बहुत वो करा है, जैसे बिजली फ्री कर दी है, कहाँ बैटरी रक्षा वालों के लिए उन्होंने काफ़ी सहायता करी है और यहाँ पर रोड वगैरह सब चीज़ें उनकी बहुत सहूलियत दी है उन्होंने, वाईफाई फ्री कर दिया है। और बीजेपी तो उल्टा उनको रोक रही है, बीजेपी सरकार तो बिल्कुल नाश कही है, नाश कर दिया कारोबार, बिल्कुल बिठा दिया बीजेपी सरकार। चुनाव में दिल्ली में क्या लग रहा है सर? केजरीवाल 100% केजरीवाल। कांग्रेस भी नहीं? नहीं, कांग्रेस भी नहीं। केजरीवाल ने ली जो काम वादे किए उन्होंने पूरे निभाया। मैंने ऐसा नेता तो अभी तक लास्ट देखा नहीं लाई। आप बताइए। केजरीवाल ही आएगा जी, केजरीवाल जो काम कर दिया किसी ने नहीं करा जी। अरे ले बलियाई झपड़ाई क्या बात है, क्या बात। लचके जब कमड़िया तो सारी दुनिया ले लाओ। गाना बजाना तो चलता रहेगा लेकिन इस बीच चुनाव और राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के कई इलाके तो आपने हिला दिए, दिल्ली में राजनीति में कौन किसको हिला रहा है क्या बता रहे हैं? झाड़ू वाले। झाड़ू वाले? हाँ जी। बीजेपी कांग्रेस? नहीं नहीं नहीं, ये हम तो सकुर बस्ती रहते हैं पर वहाँ पे आज तक ले कोई कुछ नहीं किया था। अच्छा। पर ये झाड़ू वाले ने बहुत कुछ किया है, वहाँ पे नाली वालिया भी बना दिए, पानी के भी टंकर भी आता है हमारे लोगों का, पहले नहीं आता था, बिजली भी है फ्री आती है, पहले मीटर भी नहीं लगा था। बीजेपी वाला? बीजेपी वाला नहीं आएगा जी। नहीं ठीक है? नहीं ठीक। कांग्रेस? कांग्रेस भी ठीक नहीं। आप बताइए सर। आनी तो कांग्रेस ही चाहिए लेकिन अब लोग जो कह रहे हैं देखा जाए, पहले कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस वाले मिल गए हमें भाई साहब, बहुत ढूंढना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस ने काम किया सारा, उसके बाद काम कहाँ हुआ? शीला दीक्षित जो करके गई उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं दिल्ली में। आप बताइए सर। दोनों में ही चांस नहीं चाहिए, कांग्रेस के भी और इनके आपस में मिल जाएंगे ये दोनों, जाएंगे दोनों झाड़ू वाले और कांग्रेस दोनों मिल जाएंगे। आपको लगता है मिलजुल के सरकार बनाएंगे? मिलजुल के सरकार बनेंगे। क्या कहता दरियागंज? कह रहा केजरीवाल आएगा जी, डबली बजा के। हाँ झाड़ू वाले आएगा, झाड़ू वाला, झाड़ू वाला आएगा भाई, झाड़ू वाला आएगा। दरियागंज में घूमते घूमते एक ऐसी दुकान पर हम पहुंचे हैं जिसकी कचौड़ी बहुत फेमस है। ये देखिए कचौड़ी की दुकान है, लोग खाते हुए भी नज़र आ जाएंगे और लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर पहले कचौड़ी कैसी है यहाँ की? कचौड़ी खस्ता है, मज़ेदार है। मज़ेदार है? कौन सी राजनीतिक पार्टी कचौड़ी की तरह खस्ता लगती है जी? केजरीवाल की। केजरीवाल की? बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी?
आम पार्टी। आम पार्टी आगे कुछ नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा। आगे पीछे कुछ नहीं आम पार्टी के अलावा। इधर आइए सर, आपसे भी पूछ लें। पूछो जी, पूछो पूछो। कचौड़ी खा रहे हैं और ब्रेड पकौड़ा? नहीं, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे जी, ब्रेड पकौड़ा बहुत बढ़िया है इनका। अच्छा, कचौड़ी बेकार है? नहीं नहीं, बेकार कुछ भी नहीं होता। एक चीज अच्छी होती है, एक कम अच्छी होती है। अरे वाह, तो अच्छा राजनीति में इस वक्त कौन है दिल्ली में और बुरा कौन है? बुरा कोई नहीं है जी। अच्छा कौन है? अच्छा ठीक है, केजरीवाल जी की बढ़िया चल रही है सरकार। केजरीवाल जी का ब्रेड पकौड़ा खाएंगे? केजरीवाल जी के हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे गंदा ब्रेड पकौड़ा खा के। सर केजरीवाल? हाँ जी। बीजेपी? बीजेपी ठीक है केंद्र में, मगर दिल्ली में तो वो ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी। आप बताएंगे? हाँ। कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी जीत रहा है जी। अरे वाह, आप थोड़ा सा बजाने वाले से भी बात करते। सर कौन जीत रहा है? बता नहीं, कोई आइडिया नहीं। अरे इतने लोगों को कचौड़ी खिला रहे हो, कह रहे हैं कोई केजरीवाल के नाम की खिला रहे हो, किसी को राहुल गांधी के नाम की खिला रहे हो, किसी को मोदी के नाम। मोदी के नाम से। मोदी के नाम से खिला रहे हो? सर कौन जीत रहा है? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आ रही है? हाँ जी। ये जो कचौड़ी की दुकान में थे ये लोग आम आदमी पार्टी कह रहे थे। अरे आम आदमी पार्टी ना दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली का फर्क ही नहीं हुआ। जब बीजेपी आएगी केंद्र में बीजेपी होगी, यहाँ बीजेपी होगी तो जब काम चलेगा। आप बताइए सर। बीजेपी। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार। कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं? ना ना ना। अच्छा ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ नहीं तो लड़ते रहेंगे। हाँ। काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। आप बताइए सर। मोदी जी जीतेंगे भाई, बिल्कुल जीत रहे। आप बताइए। मोदी जी सर, हम तो अंगूठा काट के दे देंगे मोदी जी को। अंगूठा काट के दे दो, लगाते रहो हमेशा वोट अपने नाम। अगली बार फिर किस क्या किसको दोगे? अंगूठा कट जाएगा तो अगली बार क्या? दूसरा अंगूठा भाई, दूसरा अंगूठा। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। दरियागंज में किताबों के शौकीनों के लिए भी बहुत कुछ है, और ये कैसे है ये आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये देखिए, जहां भी देखें आपको किताब कॉपी कलम सब कुछ मिलेगा, और मिलेंगे साथ ही उनको खरीदने वाले लोग भी, उनको पढ़ने वाले लोग भी, और उनसे दिल्ली की राय भी जानेंगे। केजरीवाल के सपोर्टर हैं जी हम तो। केजरीवाल के? हाँ, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया इस बार। उन्होंने बिजली के लिए, पानी के लिए और स्कूल हॉस्पिटल्स के लिए बहुत काम किया, तो मुझे लगता है कि इस बार उनकी सरकार आएगी। आप बताइए सर। 4 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। मैं तो बाहर से लुधियाना से हूँ, पंजाब से। पर अगर मुझे वोट डालना होता है, एक ना एक को इन्फ्लुएंस तो कर ही दूंगा जिसका वोट बनता होगा इधर। इन्फ्लुएंस कर देंगे? अरे सर 0 बिल 3 महीने से, पानी कभी आया नहीं, बिजली माफ है, सड़कें सही हैं हमारे एरिया। हम तो मनीष सिसोदिया के एरिया से। कांग्रेस और बीजेपी में नहीं? खाता खुल जाए उनका बहुत बढ़िया होगा, श्री गणेश हो जाए उनका बस। पिछली बार भी नहीं खुला कांग्रेस का खाता। तो अब कर्मों के नतीजे मिलेंगे ना कभी ना कभी। हाँ बताइए, ये कह रहे हैं इन्फ्लुएंस कर देंगे आपको, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? मैं खुद इन्फ्लुएंस हूँ पहले से ही। अच्छा चल बेटा सेल्फी ले ले रे। दरियागंज में चलते चलते कुछ लोगों से मुलाकात हुई, और ये लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है। साफ स्थिति ये नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बन रही है? बनेगी। अच्छा आप बताइए सर, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है? केजरीवाल जी की पूरी संभावना है। आप बताइए सर। केजरीवाल तो आएगा तो सही, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना कहते हैं, काम किया उतना काम नहीं किया। मैं हमेशा से केजरीवाल के देता हूँ, पहले मैं बीजेपी का था कि हाँ बीजेपी को देना, बट आई डोंट थिंक तो कि हाँ बीजेपी आएगी। सब केजरीवाल वाले क्यों हैं इस बार? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और भी स्कूलों में काम किया, पोस्ट हॉस्पिटलों में काम किया, सारा काम किया। सर केजरीवाल ने जो कहे मैनिफेस्टो में अपने प्रॉमिस उन्होंने पूरे करे। बीजेपी से हमने उनका मनोज सर का देखा, मैंने मनोज तिवारी का देखा, तो वो ख्याली पुलाव ज़्यादा बता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं पॉलिसीज क्या लानी है। केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। मनोज तिवारी पुलाव खिला रहे हैं और केजरीवाल बिरयानी। हाँ बिल्कुल, बिरयानी बना के खिला भी रही है। अच्छा आप बताइए सर, आपको क्या पसंद है? सर मैं तो बिरयानी ही पसंद है, लेकिन तो बिरयानी मिल कहाँ रही है? तो बिरयानी कौन है, केजरीवाल है या केजरीवाल? सर केजरीवाल बिल्कुल बिरयानी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिल रही है बिरयानी। आप कह रहे नहीं मिल रही? केजरीवाल खिलाएंगे, इसके अलावा कोई खिलाएगा ही नहीं। आप बताइए सर, आप बताइए दरियागंज में क्या सोच रही है जनता इस बार, किसका किसका जीतना करता है? केजरीवाल ने क्या किया, महिलाओं को दस्त में ले लिया दिल्ली में, उन्होंने बस में फ्री कर रखा है और मेट्रो रेली भी तैयारी कर रहा है, और जो आम हाउस होल्डर्स हैं उनको पानी फ्री दिया है 2200 लीटर, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी कम आती है आम हाउस होल्डर्स की, तो वो भी कब्जे में ले रखे हैं, तो ये पॉपुलेशन 90% जाती है जो उसके फेवर में। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल को जी। केजरीवाल वाले दिख रहे हैं सब, क्या बात है, क्या करें, काम वही करा रहे हैं तो किसको वोट? चल बेटा सेल्फी ले ले रे।